नारी शक्ति से एमपी शक्तिशाली। कांग्रेस सरकार में महिलाओं को मिलेगा 1500 रुपए प्रति माह, 500 में गैस सिलेंडर, हर बेटी के जन्म पर 2,51,000, शादी पर 1,01,000 का अनुदान। बढ़ाइए हाथ कांग्रेस के साथ, फिर कमलनाथ। देवसर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी वंशमणि वर्मा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, देवसर विधानसभा से मेरी जीत तय है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 160 सीट जीतेगी और अपनी सरकार बनाएगी। देवसर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी वंशमणि वर्मा ने कहा कि मुझे जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, इसलिए मेरी जीत तय है। भाजपा ने बाहरी व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाया है, जनता उसे पसंद नहीं कर रही है। देखिए, जन समर्थन हमको बहुत ज्यादा मिल रहा है और हमारी जीत सुनिश्चित है। मैं चुनाव जीतूंगा, हमारे कार्यकर्ता घर घर, गांव गांव, टोला मोहल्ले में घूम रहे हैं, घूम करके सघन प्रचार कर रहे हैं और जहां कहीं भी मैं जाता हूं क्योंकि जनता का सलाह उमड़ पड़ता है, इसलिए हमको संभावना है कि हम इस बार जीतेंगे, अच्छे मतों से जीतेंगे। चुनौती देखी आज की तारीख में, उससे चाहे माने हम चाहे न माने, चुनौती तो भाजपा से है, बाकी तो सब बुटकटवा है, बुटकटवा समझते हैं ना, बुटकटवा है, चुनौती भाजपा से है। लेकिन चूंकि वो बाहरी आदमी है इसलिए भाजपा के भी लोग उसको मत नहीं दे रहे हैं। वंशमणि वर्मा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि ये उनका आखिरी चुनाव है, वो चुनाव जीत कर विकास के कार्य करेंगे और कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में जो भी वादे किए हैं वो सभी वादे पूरे होंगे। लेकिन चुनाव जीतने वाला कहाँ रपटा चाहिए, कहाँ पुलिया चाहिए, कहाँ स्कूल चाहिए, कहाँ अस्पताल चाहिए, किन किन स्कूलों को उन्नयन करना है और कहाँ काले चाहिए, कहाँ खेल मैदान चाहिए, इन तमाम बातों की जानकारी जो हमारे पास तत्काल थी उस समय वो मैंने इसमें लिखा है और ये मेरा भी वचन पत्र है, मैंने इसको पूरे क्षेत्र में बंटवाया है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी के जो वचन पत्र हैं उनको भी पूरा करवाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। अगर मैं चुनाव जीतता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपने वचन पत्र में जारी किया है उसको, प्लस हमने जो किया उसको, और जो नहीं किसी वचन पत्र में है यदि आवश्यक है तो उसको भी मैं करूँगा और इसके लिए मैं कृत संकल्पित हूँ। और ये भी मैंने बता दिया है जनता से कि हमारा आखिरी चुनाव है, बहुत सारे काम हमारे अधूरे हैं, उनको मैं पूरा करूंगा, यही हमारा एजेंडा है। कांग्रेस प्रत्याशी वंशमणि वर्मा ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि सिंगरौली की सभी विधानसभा सीट पर कांग्रेस की जीत होगी और प्रदेश में 160 सीट जीतकर कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूँ 160 सीटें हमको मध्य प्रदेश में मिलेंगी और सिंगरौली जिले की लगभग पूरी सीटें हमको मिल रही है। मैं तो सिंगरौली ने सीधी सिंगरौली दोनों को मिला करके मुझे लगता है कि 7 सीटें मिलेंगी। कांग्रेस सरकार में 2,00,000 खाली पदों पर भर्ती, 3,000 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता, 1,500 रुपए प्रतिमाह हर स्कूली बच्चे को और हर विधानसभा में अंग्रेजी नवोदय विद्यालय। बढ़ाइए हाथ कांग्रेस के साथ, फिर कमलनाथ। एमपी की कमान थामेंगे नौजवान। कांग्रेस सरकार में 2,00,000 खाली पदों पर भर्ती, 3,000 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता, 1,500 रुपए प्रतिमाह हर स्कूली बच्चे को और हर विधानसभा में अंग्रेजी नवोदय विद्यालय। बढ़ाइए हाथ कांग्रेस के साथ, फिर कमलनाथ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।